So, और अगर फ्रेश वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो को एकदम नए अंदाज में रखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए आई है अमेजोन की एलेक्सा। तो आज हम एलेक्सा के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है वो है श्वेता। आखिर कौन है ये श्वेता? इंटरनेट पर श्वेता, एफबी पर श्वेता, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब जगह पर श्वेता श्वेता श्वेता। तो जो हमारे साथ आज बहुत बड़ी हस्ती है, दो हस्तियां हैं, एक एलेक्सा है और एक गूगल है। तो दोनों को पूछेंगे कि ये आखिर ये श्वेता है कौन। मैं फिर से बार बार एलेक्सा नहीं बोलूंगा, ये बार बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है जैसे इसका नाम लेते हैं, और इसे दो तीन सवाल पूछेंगे, और जो हमारे मेन पॉइंट पर जल्दी से आते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए अभी हमारा खेल चालू करते हैं एलेक्सा के साथ। अलेक्सा, कितने आदमी थे? हाँ, सोच रही हूँ क्या बोलूँ जिसे सरदार खुश होंगे, ओ भाई, शाबाशी देंगे। मेरी एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही भारी जवाब दिया है अलेक्सा ने। दूसरा सवाल पूछते हैं। अलेक्सा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए पता लगाते हैं कि आप मुझे और मेरी पसंद नापसंद को कितना जानते हैं। मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगी जिनके आपको जवाब देने होंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे चटपटी बातों के साथ साथ मुझे चटपटी चाट भी बहुत पसंद है। तो बताइए मेरी पसंदीदा चाट कौन सी है? पानीपुरी ये सही सही जवाब। जवाब है। तो अब बताइए कौन सा शहर मुझे सबसे अच्छा लगता है? मुंबई ये भी सही सही जवाब। जवाब। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे घर का पता क्या है? कैलिफोर्निया गलत जवाब। मैं क्लाउड में रहती हूँ। हरे। आप मुझे कुछ कुछ तो जान गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें एक दूसरे को जानने में जरा वक्त लगेगा। यहाँ भी सिंगल इस बीच मैं प्यार को बेहतर समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ प्यार भरी शायरी के साथ। आप भी मुझे एलेक्सा ने भी काट आजमाना चाहें दिया। तो कहिए, लव शायरी सुनाओ। नहीं सुननी अभी शायरी, क्या शायरी सुनाओगी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट और एकदम मेन वाले सवाल की तरफ, क्योंकि अभी एलेक्सा ने भी हमारा दिल तोड़ दिया है। एलेक्सा, तुम क्या सोच रही हो? तो इस वीकेंड मैं पौड़ी करने वाली थी, पर फिलहाल तो श्वेता को यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो माइक बंद कर ले। फिलहाल यह बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा, मतलब एलेक्सा को भी पता चल गया है कि श्वेता क्या कर रही थी, क्या बातें कर रही थी। और मुझे आपको भी कुछ ऐसा अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि श्वेता कौन है। आप इंस्टा जाइए, सॉरी, मुझे ये नहीं पता। देखो सब पता है, तू शांत बैठ, सबको पता चल गया, एलेक्सा को पता चल गया, अगर आपको पता करना है। चलिए और एक सवाल करते हैं गूगल से अभी। ओके गूगल, ये श्वेता कौन है? According to Navbharat Times, श्वेता उस लड़की का नाम है जो जूम पर ऑनलाइन क्लास के दौरान माइक ऑन छोड़कर कॉल पर अपनी सहेली से बतिया रही थी। आज ट्विटर के ट्रेंड में श्वेता नाम की लड़की है। इसके ट्रेंड में आने की वजह भी बेहद दिलचस्प है। उनके पास फोन आया और उन्होंने अपने दोस्त से प्राइवेट बातचीत शुरू कर दी। वो बात भी इतनी प्राइवेट थी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब पर वो आ गया है। गूगल को भी श्वेता पता को चल गया है कि श्वेता कौन है। गूगल, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? क्या मैं आपको बैंक जैसी दिखती हूँ? बैंक तो ऐसे होते हैं। बस तुम्हें ये बोलना बाकी रह गया था यार। गूगल से बात करो, एलेक्सा से बात करो, काट देते हैं। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। जी लीजिए, क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? अभी दे रही है। ओके गूगल, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? बिल्कुल, और अगर आप चाहें तो रास्ता ढूंढने में या फिर मजेदार जगह ढूंढने देख में रहे आपकी हो, मदद भी कर सकती हूँ। देख रहे हो, सबसे पहले पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिए, फिर से जब पैसे मांगे तो पैसे भी दिए, डेट पर चलने के लिए भी राजी है। सो व्हाट डू यू थिंक, विच इज अ बेटर ऑप्शन फॉर अ डेट, गूगल असिस्टेंट और अ गर्ल? तो अगर आप मेरी बात सुनो तो गूगल असिस्टेंट के साथ चले जाओ, पैसे भी वो भरेंगी,
सब वो करेंगे, सिर्फ आपको साथ में रहना है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा नए अंदाज में वीडियो है, थोड़ा सा अपने चैनल से थोड़ा हटकर वीडियो है, तो मेरे लिए नहीं श्वेता के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ये वीडियो को और श्वेता तक ये वीडियो पहुंचा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।